गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए वेस्टेज को ख़त्म करने का प्रयास करता है, यानी कि वेस्टेज को समाप्त करने का अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का नया विचार है जिसे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रतिपादित किया। टेलर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से अवधि में 1878 से लेकर के 84 तक वो एक ऑर्डिनरी सामान्य जो श्रमिक की पोजीशन से वो एक चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंच गए थे। 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए में एक श्रमिक के रूप में ज्वाइन की थी और अपने हार्ड वर्क और समर्पण के कारण वो चीफ इंजीनियर के पद पर उसी कंपनी में 6 सालों के छोटे से समय में पहुंचने के योग्य हो गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान टेलर ने बहुत सारे प्रयोग किए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक लेबरर से जितना कार्य सपोज किया जाता है, जितना उससे होना चाहिए, उससे बहुत कम कार्य वो करता है। ही गेव ए नंबर ऑफ सजेशन, उन्होंने इस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए और ऐसा करते हुए उन्होंने मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक वैज्ञानिक जो आउटलुक दिया। टेलर ने बेथेलम स्टील वर्क्स में 1901 तक काम किया और इसके बाद उन्होंने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सेवाएं देना शुरू कर दिया था और 1903 में उन्होंने एक अपना शोध पत्र जिसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट, उन्होंने उसको पब्लिश किया और 1911 में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जिसने कि मैनेजमेंट के जो फील्ड में एक नई लहर ला कर के मतलब कि दी। और टेलर 1915 में उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, लेकिन मैनेजमेंट के लिए उनका जो योगदान है वो हमेशा अमर रहेगा। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब लिटरेली जो साहित्यिक अर्थ है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है कि मैनेजमेंट के कार्य को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से परफॉर्म करना। दूसरे शब्दों में जो पारंपरिक अवधारणा है मैनेजमेंट की, उसको छोड़ करके और नए और ज़्यादा वैज्ञानिक जो विचारधाराएं हैं उनको अपनाना ही क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध है। टेलर ने ये कहा है कि किसी कार्य को करने से पहले एक मैनेजर को उसे पूर्णतया पहले एनालाइज कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसे निर्णय लेने चाहिए। डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी जो परिभाषाएं हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उनमें से कुछ मुख्य हैं, जिनमें से F.W. टेलर द्वारा मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, मैनेजमेंट ये पूर्ण रूप से जानने का कार्य है कि व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आप मनुष्यों से, व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, और इसे देखना कि वे इसे बेस्ट और सस्ते ढंग से करें। नंबर 2, पीटर एफ ट्रकर के अनुसार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मूल है वो है ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क, कार्य का सुव्यवस्थित अध्ययन, और जो कार्य का जो विश्लेषण है सिंपलेस्ट एलिमेंट्स के अंदर और व्यवस्थित ढंग से वर्कर्स की परफॉर्मेंस की जो इम्प्रूवमेंट है वही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और इसके आधार पर, इस डिस्कशन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें
प्रत्येक एक्टिविटी को डिटेल में अध्ययन करना शामिल है और इसे इस प्रकार से करना कि सभी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े ही मितव्ययी और प्रभावपूर्ण ढंग से सुनिश्चित हो पाएँ, से मतलब संपन्न हो पाएँ। फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के गुण फीचर्स क्या हैं? ऊपर दी गई डेफिनेशंस के आधार पर निम्नलिखित मुख्य इसके लक्षण हैं। नंबर वन, सिस्टमेटिक अप्रोच, व्यवस्थित अवधारणा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अवधारणा है मैनेजमेंट की, और इसके प्रयोग से ये इंश्योर होता है, ये सुनिश्चित होता है कि सभी एक्टिविटी बड़े सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक ढंग से कंप्लीट की गई है। नंबर टू, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। कंप्लीट माने पूर्णता, मानसिक परिवर्तन लाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक कंप्लीट मानसिक परिवर्तन लाता है ओनर्स में भी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में भी, और दोनों ही जो पक्ष हैं वो इस उद्देश्य के लिए त्वरित हो जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, और टारगेट रादर देन मेयरली चेजिंग हाई प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे केवल दौड़ने की बजाय अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वो एम करते हैं, उनका उद्देश्य बन जाता है। दे आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, वे इस बात के लिए योग्य हो जाते हैं, इस बात को समझने योग्य हो जाते हैं कि बड़ा हुआ और बढ़िया जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः ही वहाँ उच्च प्रॉफिट आएंगे और जो दोनों ही पार्टीज के लिए फ़ायदेमंद होंगे। नंबर थ्री, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, पारंपरिक प्रबंध को अलग करता है, ये दूर हटाता है। जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच है पूर्ण रूप से जो पारंपरिक प्रबंध को डिस्कार्ड करती है, उसको अलग कर देती है, हटा देती है। ये ओल्ड टेक्निक को समाप्त करके और नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर बल देती है, और विद एम जिससे कि जो एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। नंबर फोर, रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, इसमें जो नियमों की जो सख्त अनुपालना वांछित होती है, जरूरी होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, बहुत सख्ती से नियमों का पालन चाहिए होता है, करना होता है, क्योंकि जो रूल्स जो बनाए जाते हैं वो बहुत सारे पूर्ण रूप से विश्लेषण के बाद उनको बनाया जाता है, और किसी भी तरह का एक बहुत कम चांस होता है उसमें एरर होने का। और नंबर फाइव, इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की कुशलता को इम्प्रूव करता है, और मुख्य एम है वैज्ञानिक प्रबंध का कि वर्कर्स की कुशलता को इंक्रीज़ करना, उसको बढ़ाना, और ये विभिन्न प्रकार की स्टडीज़ को कंडक्ट करने के माध्यम से, जैसे कि समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन इत्यादि करके इसको किया जाता है। पॉइंट नंबर सिक्स, गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन, इसमें विशेषज्ञता को बहुत ज़्यादा जोर इस पे अधिभार दिया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक भाग किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका एक्सपर्ट है, और इससे क्या होता है, अच्छे और ज़्यादा कार्य परफॉर्म किए जाते हैं कम समय में। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें विशेषज्ञता को ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा अधिभार दिया जाता है। पॉइंट नंबर सेवन, यूज़फुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा खर्चीला है, तो यह केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी होता है। पॉइंट नंबर एट, अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज, इसमें वेस्टेज यानी व्यर्थता को कम करने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध समय की, मटेरियल और मशीन की जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए
ये बनाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित की गई वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा निम्नलिखित चार सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, साइंस, नोट रूल ऑफ थंब, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं। प्रिंसिपल ये बताता है कि हमें पुराने जो टेक्निक्स हैं कार्य करने की, उनका पीछा करने की बजाय इसको जो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए नई नई टेक्निक को डेवलप करने के लिए, जिससे कि कार्य को ज़्यादा सरल किया जा सके। नंबर 2, हार्मनी, नोट डिस्कर्ड, सामंजस्य ना कि कलह। एज पर दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार का वातावरण ऑर्गेनाइजेशन में बनना चाहिए कि जो श्रमिक हैं और जो मैनेजमेंट हैं वो अपने आप को अभिन्न समझें। टेलर ने इस सिचुएशन को मेंटल रेवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति का नाम दिया है और वे बड़ी मजबूती से विश्वास करते हैं कि मानसिक क्रांति के कारण क्या होगा, सभी झगड़े जो है उनका समाप्ति हो जाएगी, अंत हो जाएगा दोनों पार्टीज में और दोनों को इसके बेनिफिट या फायदे होंगे। नंबर 3, कॉरपोरेशन, नोट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार जो भी अलग अलग लोगों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो एक म्यूचुअल कॉरपोरेशन की भावना से उन्हें किया जाना चाहिए। टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि जो मैनेजर और जो वर्कर है उन्हें संयुक्त रूप से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है और इससे जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर व्यक्ति को उसकी कुशलता और समृद्धि के अनुसार उसका विकास करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति की एफिशिएंसी को ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन, उसके चयन से लेकर के ए प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रत्येक व्यक्ति की जो ट्रेनिंग है उसका उचित प्रबंध किया जाना चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति, उसे उसके योग्यता और उसके इंटरेस्ट यानी रुचि के अनुसार कार्य अलॉट किया जाए। थैंक यू।